स्टोक्स ने बनाए 182 रन, विराट कोहली ने उन्हें बोल दिया महान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, न्यूजीलैंड के खिलाफ ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बेन स्टोक्स ने एक ऐसी पारी खेल दिया जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे। बेन स्टोक्स ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट ने उन्हें फिर से बुलाया और ओडीआई में कमबैक करते हुए इस खिलाड़ी ने 182 रनों की तूफानी पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि वो दोहरा शतक भी ठोक देंगे। आपको बता दें, अपनी पारी में उन्होंने 15 चौके और 9 तूफानी छक्के भी लगाए। स्टोक्स की इस पारी के दीवाने हो गए विराट कोहली। जी हाँ, उन्होंने कोहली की तारीफ करते हुए कहा, वनडे में उनकी ये पारी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी है। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, सच में वो शानदार है। स्टोक्स मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक हैं। मुझे उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार का वनडे वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतने वाली है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।